चलिए जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार कुमार है। क्लियर सी जी पी एस सी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं तो उसमें अंग्रेजी भी एक जो होता है हमारे सिलेबस में होता है, जनरली सी जी पी एप एम के सिलेबस में होता है। अभी हाल ही में जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आया है उसके सिलेबस में है, तो उसी का हम लोग एक टॉपिक पकड़ रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? जेंडर। जेंडर को यदि हम लोग बोलेंगे तो हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है लिंग। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। संस्कृत में हम लोगों को देखने को मिलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसी प्रकार से लिंग के आधार पर क्या प्रश्न बन सकते हैं, या अंग्रेजी में जो जेंडर है ये इसके आधार पर क्या टॉपिक है, इसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात, ऐसा नहीं है जैसे हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिले। अंग्रेजी में थोड़ा बहुत अलग होता है, हर भाषा के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो क्या बोलता है? जेंडर इज ए कैटेगरी ऑफ नाउन। मतलब क्या है जेंडर इज ए कैटेगरी ऑफ नाउन? मतलब लिंग संज्ञाओं का या संज्ञा का एक प्रकार है, वर्गीकरण में एक प्रकार के रूप में आपका काम करता है क्या आपका लिंग या जेंडर। चलिए इसके बारे में क्या बोलता है अंग्रेजी में, कितने प्रकार के होते हैं? तो अंग्रेजी में बोलता है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। ऐसे हैं, कितने प्रकार के हैं? तो चार प्रकार के जनरली आपको लिंग के प्रकार देखने को मिलेगा। इसी के बारे में हम लोगों को बात करना है। जैसे पहला टाइप आता है इसका क्या, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे तो क्या होता है, द नेम्स ऑफ ऑल मेल पर्सन्स और एनिमल्स आर सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है आपको, जो भी पुरुष हैं, जो भी पुरुष व्यक्ति हैं या पुरुष जंतु हैं, तो जंतु या व्यक्तियों जो पुरुष का आभास कराते हो, पुलिंग का आभास कराते हो, उसको हम लोग बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। जनरली मैस्कुलिन जेंडर कुछ नहीं है, पुलिंग जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, जो मैन है पुरुष है उनको हम लोग क्या बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे आपको देखने को मिलेगा मैन, मैन का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। एक्टर मतलब क्या होता है, हमारा जो नाटक करता है। अंकल मतलब हमारे चाचा या मामा होते हैं। हीरो जो आपका हीरो होता है, हीरो को आप हीरो ही समझिए, नायक समझते हैं हम लोग इसको हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी में जाए तो। किंग का अर्थ होता है राजा, और ऐसी लॉयन का अर्थ होता है हमारा शेर। तो चार प्रकार में से पहला प्रकार जो है अंग्रेजी में वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, पुरुष या जानवरों के नाम, मेल पुरुष या मेल जानवरों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, ये क्या आपका मैस्कुलिन जेंडर। ऐसे ही होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे तो नेम ऑफ ऑल फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स, मतलब क्या है, जो भी फीमेल या स्त्रीलिंग को जो बोधित कराता हो, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी जंतु का नाम जो स्त्रीलिंग में है या महिला में है, आपको देखने को क्या मिलेगा, वो फीमेल पर्सन पे है, वो फीमेल होता है या फेमिनाइन जेंडर में आता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा वुमेन, आंट, डॉटर, एक्ट्रेस, क्वीन या लॉयनेस। मैन का अपोजिट क्या होता है अगर हम लोग जाएंगे तो वुमेन, एक्टर का छोड़ दीजिएगा, अंकल का क्या होता है आंट होता है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। ऐसे ही डॉटर होता है सन का अपोजिट पुत्री, एक्ट्रेस का मतलब क्या होता है नायिका, क्वीन का अर्थ क्या होता है रानी, और इसके अतिरिक्त लॉयन का अर्थ क्या होता है आपका जो लॉयनेस होती है, लॉयनेस मतलब होता है महिला आपका या मादा शेर, ये याद रखिएगा। तो शेर और मादा शेर ऐसे बोलते हैं हम लोग, जैसे करते हैं। एक चीज़ आप और याद रखेंगे, कन्वर्जन में आप कभी कभी ही और शी भी लगाते हैं, ये रूल मैंने शायद नहीं डाला है, हम लोग आके देखेंगे, मैं उसको वहाँ पर चर्चा कर लूँगा। चलिए आते हैं, दो प्रकार के तो हो गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं। अंग्रेजी में जो तीसरा और चौथा प्रकार है ये खास बनाएगा इसको, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरा प्रकार होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या बोलता है, विदाउट लाइफ कैन नॉट बी डिस्ग्निस्ड आइदर एज अ मेल और फीमेल। मतलब जिन भी वस्तुओं में जान नहीं है, जो भी चीज़ों में जान नहीं है, उसको आप पुलिंग या स्त्रीलिंग में नहीं डालेंगे, इसको हम लोग किस में डालेंगे, न्यूट्रल जेंडर में। तो जिन भी वस्तुओं में जान नहीं होती है अंग्रेजी में वो आ जाता है न्यूट्रल जेंडर में। हमारी हिंदी में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, जिनमें जान नहीं है उसको भी हम लोग पुलिंग या स्त्रीलिंग में डालते हैं, जैसे कुर्ता है, पानी है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, जिनमें जान नहीं है हम उनको भी पुलिंग और स्त्रीलिंग में डालते हैं। अंग्रेजी में इजी कर दिया, बोल दिया ऐसी कोई भी चीज़ जिनका में जान नहीं है, जिनमें जान नहीं होगी वो कौन से जेंडर में आएंगे, तो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं चेयर, चेयर का मतलब क्या होता है कुर्सी, ये न्यूट्रल जेंडर में क्योंकि जीवित नहीं है। ट्री जो पेड़ पौधे होते हैं, अंग्रेज बोलते हैं कि पौधों में जान नहीं होती, तो ट्री को भी इन लोग न्यूट्रल जेंडर में डालते हैं। माउंटेन, माउंटेन मतलब क्या होता है पर्वत होता है, ये भी आपका आ जाएगा। बुक्स मतलब पुस्तकें, स्कूल विद्यालय, पेंसिल आपका जो लिखने वाली होती है पेंसिल नटराज की, टेबल या बेंच जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो गया, स्टार तारे, स्ट्रीट गलियां, कार मतलब कार हो गया, पेपर मतलब पेज, और कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जिनमें जान नहीं होती उनको न्यूट्रल जेंडर में माना जाता है। आप यहाँ पे ट्री को भी ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधे भी कैसे होते हैं न्यूट्रल जेंडर पे, बहुत इजी है, आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। चौथा पार्ट जो आता है इसका, चौथा प्रकार वो है कॉमन जेंडर। ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, क्या बोलता है, नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको आप पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर, जो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए यूज़ हो जाता है, ये आ जाता है कॉमन जेंडर। हिंदी में ये थोड़ा अलग हो जाता है, हिंदी में हम लोगों को ऐसा शब्द नहीं दिखेगा, अंग्रेजी में आसान है। जैसे बात करते हैं कैसे, देखिए अंग्रेजी में जब हम लोग बोलते हैं सिंगर, तो सिंगर लड़के हो या लड़की हो, इन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लड़का या लड़की, तो कॉमन जेंडर में आ जाएगा। लड़का मतलब पुरुष और महिला के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हिंदी में देखते हैं तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आता है गायक और गायिका। ऐसे ही कैट है, हम लोग करते हैं, कैट का अर्थ क्या होता है, बिल्ली। तो अगर कैट में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कॉमन जेंडर में है या नहीं है, या अगर आपको दिया है ऐसा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ही कैट लिखता है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, शी कैट। तो कभी कभी क्या है, जैसे कॉमन जेंडर में यदि परिवर्तित करने आया, आपको लिख के देगा ही कैट है, तो ही कैट का आप क्या करेंगे, शी कैट। ऐसे ही कब है, सर्वेंट है, तो जैसे सर्वेंट का अर्थ क्या होता है, नौकर होता है, जो नौकरी करता है, नौकर जो आपकी सेवा करता है, सेवक बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो सेवक और सेविका अंग्रेजी में वर्ड क्या होगा, सर्वेंट यूज होगा, जिसका मतलब क्या होता है, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो इसको कॉमन जेंडर में आएगा। जैसे बेबी है, बेबी मतलब क्या हो जाता है, बाबू सोना वाला नहीं, बेबी मतलब छोटा बच्चा, तो अंग्रेजी में बेबी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग देखेंगे तो क्या बोलते हैं, शिशु जैसे है उस प्रकार से वर्ड ले सकते हैं, बच्चा और बच्ची इस प्रकार से। फ्रेंड जो होता है मित्र, तो मित्र में हम लोग कैसे बोलते हैं, लड़का है तो दोस्त, लड़की है तो सहेली, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रेंड। ऐसी कैंडिडेट जो होते हैं, परीक्षार्थी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, तो परीक्षार्थी में भी हम लोग देखेंगे तो पुरुष और महिला हम लोग कर देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कैंडिडेट कैंडिडेट। लीडर, लीडर का मतलब क्या होता है, लीडर का अर्थ होता है नेता, है ना, लीडर का हम लोग अगर मेन निकाले मतलब, तो नेता या नेतृत्वकर्ता, तो हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे तो नेता, इंग्लिश में लीडर ही बोलेंगे, हिंदी में नेता या नेत्री हो जाती है। तो हिंदी में वर्ड्स अलग अलग मिल जाते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के मैक्सिमम केस में, अंग्रेजी में क्या है, कॉमन जेंडर एक ऐसा डाला गया है जो पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज होता है। और कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पेरेंट हो गया, टीचर हो गया, टीचर का याद रखिएगा शिक्षक, और शिक्षक का हिंदी में यूज़ करते हैं, अंग्रेजी में टीचर ही रहता है। एनिमी शत्रु हो गया, फिश मछली हो गया, इन्फेंट ईगल, स्टूडेंट एप्लीकेंट मेंबर, ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे उदाहरण है जो कॉमन जेंडर में आते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं एक बराबर तौर पर। तो चार प्रकार कौन कौन से थे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, ये चार प्रकार हैं। मस्कुलिन बोलेगा तो पुरुष के लिए, फेमिनाइन बोलेगा तो स्त्री के लिए, न्यूटर बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है अजीवित वस्तुओं के लिए जिनमें जान नहीं उनके लिए, और कॉमन जेंडर जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए एक बराबर यूज़ किया जाता है, एक साथ जो है यूज़ किया जाता है। इतना है हमारे जेंडर के प्रकार। आगे बढ़ते हैं, जो संभावित प्रश्न और क्या हो सकते हैं जेंडर में परिवर्तन, जैसे लिंग परिवर्तन करने के लिए बोलता है तो उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जेंडर परिवर्तन या लिंग परिवर्तन करने के लिए कुछ मेथड्स दिए हैं, ये मेथड्स को समझेंगे। तीन तरीके से जनरली हम लोग मेल से फीमेल में जा सकते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में जा सकते हैं, इनको समझेंगे। तो पहला जो तरीका होता है, बाय मेकिंग चेंज इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, जो शब्द है उसके अंतिम भाग में परिवर्तन करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा बोलता है बाय एडिंग अ वर्ड आफ्टर और बिफोर, किसी शब्द के पहले या बाद में हम यदि कोई दूसरा शब्द लगा दे तो उससे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द वर्ड, शब्द को ही पूर्णतः परिवर्तित करके हम लोग मेल और फीमेल में कर पाते हैं। तो थर्ड वाला तो याद करना पड़ता है, पहले और दूसरे को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे बोलता है बाय मेकिंग चेंज इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, जनरली क्या है, किसी भी शब्द के पीछे यदि आप ई डबल एस लगा देते हो, किसी भी पुलिंग शब्द के पीछे, मैस्कुलिन जेंडर के पीछे यदि आप ई डबल एस लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, फेमिनाइन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखेगा लॉयन है, तो लॉयन मतलब शेर, तो लॉयन में क्या लगे हम लोग, ई डबल एस लगा दिए स्पेलिंग में, तो ई डबल एस लगाने से क्या हुआ, वो स्त्रीलिंग हो गया। जैसे पोएट है, पोएट मतलब कवि होता है, इसमें आप ई डबल एस लगा दीजिए, पोएटेस हो जाएगा। प्रीस्ट है, प्रीस्ट का क्या हो जाएगा, प्रेस्टेस हो जाएगा। होस्ट का होस्टेस हो जाएगा, ऑथर का ऑथरेस हो जाएगा, हियर का हियरेस हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा, स्टीवर्ड का स्टीवर्डरेस हो जाएगा, काउंट का काउंटेस हो जाएगा, कंडक्टर का कंडक्टरेस हो जाएगा। सब में जनरली आपको कुछ नहीं करना, स्पेलिंग में परिवर्तित कर दीजिए, ई डबल एस जोड़ दीजिए, आपका काम खत्म, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाएगा, ये बोलता है पहला नियम। ऐसे यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे नियम की तरफ चढ़ेंगे, तो बोलता है बाई एडिंग अ वर्ड आफ्टर और बिफोर, बोलता है द फेमिनाइन ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड बाई चेंजिंग दैट पार्ट विच शोज द जेंडर। यदि कोई कंपाउंड नाउन है, अंग्रेजी में जो कंपाउंड नाउन है हम लोग बोल दीजिए, मान लीजिए हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो संयोजक संज्ञा, या जो ऐसी संज्ञा है जो दो अक्षरों से मिलकर बनी है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, तो उनमें जो वाला पार्ट लिंग को शो करता है उसको आप बदल दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ग्रैंडफादर दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ग्रैंड और फादर, तो इसमें लिंग का बोध किस में होता है, फादर में होता है, तो फादर को आप चेंज कर दीजिए, आपको फेमिनिन मिल जाएगा, ग्रैंड मदर,
देख सकते हैं मिल्क मैन है, दूध वाला। इसको परिवर्तित करना है तो मैन बता रहा, तो मैन का जगह क्या कर दीजिए, मेड कर दीजिए। आपका हो जाएगा मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट की जगह मेड सर्वेंट कर दीजिए, लैंड लॉर्ड है तो लैंड लेडी कर दीजिए। जो भी लिंग का परिवर्तन कर रहा है आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे है बकरी के लिए तो ही गोट लिखते हैं हम लोग, बकरा बकरी बोलते हैं, तो ही गोट और शी गोट। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है ही दिया है तो परिवर्तित कर दीजिएगा शी पे। जो मेन है यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे मोर और मोरनी, पीकॉक तो पी और कॉक यहाँ पे याद रखेंगे, इसी में क्या हो जाएगा पी हेन, मोर होता है पीकॉक और पी हेन होता है मोरनी। ऐसी ग्रैंड पा का तो ग्रैंड माँ, पुलिस मैन का पुलिस वुमेन, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर, हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस, मिस्टर का मिसेस, पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ, स्टेप फादर का स्टेप मदर और स्टेप सन का स्टेप डॉटर। ये है जो भी शब्द आपका लिंग दिखाता है, चाहे वो कंपाउंड नाउन के आगे यूज हुआ हो या पीछे यूज हुआ हो, आपको केवल वो लिंग भूत वाले को चेंज करना है, जो सेकेंड नियम बताता है। ऐसे ही हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नियम में, बोलता है बाई चेंजिंग द वर्ड। कुछ संज्ञाओं के लिए क्या होता है, आपको पूरा वर्ड ही चेंज करना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ता है। तो जैसे बुल है, बुल का क्या होगा अपोजिट, काऊ होगा फेमिनिन, गाय का बैल, सन का डॉटर, पुत्र का पुत्री, हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, कॉक का हेन, जेंटलमैन का जेंटल लेडी या लेडी, अंकल का आंट, मैन का वूमेन, बैचलर का स्पिंस्टर, बैचलर मतलब क्या होता है आपको पता होगा, नेफ्यू का नीस, अगर नहीं पता होगा तो कर लीजिएगा थोड़ा सा, बैचलर मतलब कुंवारा होता है। चलिए मॉन्क का नन, मदर का सिस्टर, विजार्ड का विच है ना। इसके अतिरिक्त जैसे विजार्ड और विच में क्या होता है, हम तो विजार्ड मतलब होता है जादूगर, विच मतलब होता है जादूगरनी। सर का मैडम, डैड का मॉम, फादर का मदर, इसके अतिरिक्त डैडी का मम्मी, लॉर्ड का लेडी, मेल का फीमेल, फॉक्स का विक्सेन, ये याद रखिएगा कभी कभी कोई छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देता है फॉक्स का विक्सेन, गैंडर का गूस, ये आपको देखने को मिलेगा मैस्कुलिन और फेमिनिन, हमको इसको याद करना पड़ेगा। तो इतना है कन्वर्जन का। इसके अतिरिक्त हम लोग चलते हैं आगे, तो क्या बोलता है, समटाइम्स द फॉर्म्स आर स्लाइटली चेंज्ड बिफोर ई डबल एस एडेड टू द, जो ई डबल एस वाला हमारा नियम है, ई डबल एस लगाने के पहले पहले कभी कभी हम लोगों को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, कुछ नेम जो है आपके नियम भी बदल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में गॉड का गॉडेस, जनरली क्या होता है ई डबल एस में हम लोग ऐसे लगा देते हैं, पर यहाँ पर डबल डी करें हम। ऐसे ही एम्परर है तो एम्प्रेस, इसके अतिरिक्त एक्टर है तो एक्ट्रेस। आप देख सकते हैं कुछ कुछ मात्राओं में या लेटर्स जो है गायब हो जाते हैं, वेटर का वेटरेस, टाइगर का टाइग्रेस, गवर्नर का गवर्नेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, ड्यूक का डक्चेस। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ एग्जाम्पल्स आपको और देखने पड़ेंगे जो आपको बेसिक हेल्प करेंगे। हम लोग थोड़ा रूल आप लोगों को बताते चल रहे हैं। हीरो का हीरोइन, लैड का लैस, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, जिसको हम लोग ग्रूम भी जनरली बोलते हैं, और ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। विडो का विडोवर, विडो मतलब विधवा और विडोवर मतलब क्या होता है विधुर। तो ये आपको चेंज करने का काम आएगा। तो इतना हो जाता है हमारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक आखिरी पॉइंट है, इसके बाद एक और आखिरी पॉइंट रहेगा। व्हेन अ नाउन चेंज टू मैस्कुलिन टू फेमिनिन द प्रोनाउन सेंटेंस मस्ट चेंज टू, बोलता है यदि संज्ञा चेंज होती है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, यदि संज्ञा चेंज होती है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में तो वैसे ही उसके सर्वनाम को भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउन को भी चेंज करना पड़ेगा। यदि नाउन पुल्लिंग है, नाउन मैस्कुलिन है तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन यूज करेंगे, अगर नाउन फेमिनिन है तो प्रोनाउन भी फेमिनिन यूज करेंगे। जैसे क्या बोलता है देखिए, ये दो एग्जाम्पल है हमारे पास। द मैन वेंट इन टू द डाइनिंग हॉल विथ हिज फ्रेंड, जब द मैन की बात आई तो मैन जो पुरुष है अपने मित्रों के साथ कहाँ गया, डाइनिंग हॉल गया, तो द मैन है तो मैन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं हिज। और ऐसी ही है द वुमेन, तो वुमेन महिला हो गई है तो इसके साथ हम लोग प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे हर, ये चीज है याद रखिएगा। हिज अंकल लिव्स इन दिल्ली, हर आंट लिव्स इन दिल्ली है ना, उसके जो चाचा है वो कहाँ रहते हैं दिल्ली में रहते हैं, उसकी चाची जो है दिल्ली में रहती है, तो हीज और हर, इसको भी ध्यान रखेंगे याद रखेंगे, इसको भी आराम से बन जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कुछ नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोलता है दो कलेक्टिव नाउन्स रिफर टू अ लिविंग और बींग्स बट आर यूज एज न्यूटर नाउन, मतलब कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो जीवित वस्तुओं को शो करते हैं, जीवित वस्तुओं को दिखाते हैं, बट उसको जब हम लोग लेते हैं तो कैसे प्रकार में लेते हैं, न्यूटर नाउन के प्रकार में लेते हैं, मतलब अजीवित वस्तुओं का जैसे हम उसको लिंग निर्धारित करते हैं। जैसे तो क्या है, द आर्मी इज कॉल्ड टू टैकल द सिचुएशन, तो यहां पर जो सेना है, सेना तो जीवित वस्तु है, बट सेना को जब हम लोग बोलेंगे आर्मी तो वो कैसे होगा, न्यूट्रल नाउन होगा है ना, न्यूट्रल जेंडर होगा, याद रखिएगा न्यूट्रल जेंडर। चलिए ऐसी ऑब्जेक्ट्स नोन ऑफ देयर पावर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर यूज्ड टू एज मैस्कुलिन नाउन, मतलब कुछ अजीवित चीजें भी हैं, कुछ शक्तियां हैं, आप याद रखिएगा शक्ति नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसा सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है जिसमें कुछ शक्ति की बात होती है,
पावर मतलब आप शक्ति बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की बात होती है, या वॉयलेंस हिंसा की बात होती है। तो ये जो शक्ति वाले काम है, जो परिवर्तन करने वाले काम है, अंग्रेजी बोलता है ये पुरुष कर सकता है। तो ऐसी चीज में हम लोग क्या बोलेंगे, ये मास्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है। जैसे एग्जाम्पल है, द डेथ इज क्रूएल, द डेथ इज क्रूएल, ही इज अ सर्टेन एज टुमारो, है ना। इसका हिंदी अर्थ यदि हम लोग निकाले, देखिए अंग्रेजी में पढ़ना रहता है तब आप लोग लगा सकते हैं, क्या बोलता है, मृत्यु बहुत निर्दयी है, ठीक है, यह निश्चित है, यह होना ही है। हम लोग जब मृत्यु बोलते हैं तो स्त्रीलिंग में लेते हैं, इसलिए मैंने बोला हिंदी पे मत लीजिएगा। द डेथ इज अ क्रूएल, डेथ इज क्रूएल, वो कभी भी आ सकती है, इस प्रकार से बोल रहे। तो डेथ डेथ क्या है, एक प्रकार से पावर है ना, ये डेथ इज क्रूएल, ये इसकी शक्ति बता रहे, स्ट्रेंथ बता रहा है, या हिंसा तरीके से बता रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, डेथ के लिए ही। तो डेथ जो मृत्यु है उसको अंग्रेजी में पुलिंग माना जाता है, मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स नोन फॉर देयर ब्यूटी जेंटलनेस और अ ग्रेस आर यूज एज फेमिनाइन जेंडर नाउन। इसका मतलब क्या है, यदि कभी किसी सुंदरता की बात हो, या किसी नम्रता की बात हो, या ग्रेस की बात हो, तो वो फेमिनाइन जेंडर को शो करेगा, भले वो पुलिंग हो या स्त्रीलिंग हो, या फिर नपुंसक लिंग हो, मतलब न्यूटर भी हो या कॉमन हो, बट आपको देखना कैसे रहेगा, वो फेमिनाइन जेंडर के जैसे। जैसे एग्जाम्पल है, द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, हर ब्यूटी इज अडोरेबल, बोल रहा है कि जो धरती है, पृथ्वी है, एक विशेष प्रकार का यूनिक प्लैनेट है अपने आप में, उसकी सुंदरता देखने से ही बनती है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी की सुंदरता की बात कर रहा है, तो हर आ जाएगा वर्ड। तो पृथ्वी को कैसे बोलता है, फेमिनाइन जेंडर। यदि इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना रहेगा, फेमिनाइन जेंडर। भले पृथ्वी को हम बोले नहीं कि जीवित वस्तु है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको न्यूट्रल जेंडर पे ले लोगे, अजीवित वस्तु होने के बावजूद अर्थ की जब बात आएगी तो हमको उसमें किस में लेना है, आपका फेमिनाइन जेंडर में। जब ऐसी कोई चीज़ दिखती है, हिंसा दिखती है या स्ट्रेंथ दिखती है, तो मस्कुलिन जेंडर पे। और भले कोई जीवित वस्तु है बट वो कलेक्टिव नाउंस के अंदर आती है, बट जनरली कैसे हैं वो आपको देखने को मिलेगा, आपका न्यूटर नाउन की तरह से यूज होगी, है ना। जैसे आर्मी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, किस में होगा, न्यूटर नाउन में होगा। तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल के साथ एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया है, उम्मीद है आपको जेंडर से संबंधित डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, हम लोगों से बनेगा, हम लोग आपको रिप्लाई देंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप चैनल पर नए थे, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं हम लोग और किस टॉपिक पे वीडियो ला सकते हैं, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा। इतना ही था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।